नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। सीधे आपको जौनपुर लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। आप ही की इसी माटी के सपूत और जिन्होंने यहां पर एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के अपने परिश्रम से अपने पुरुषार्थ से मुंबई में महाराष्ट्र में अपनी एक पहचान बनाई, ऐसे कृपा शंकर के लिए आपकी कृपा के लिए अपील करने के लिए आपके बीच में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अब तक के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और मैं आपसे कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही धूम मची है, एक ही लहर है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर में पूरा देश बोल रहा है। वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार की बात होती है। बहनों और भाइयों, सबसे जो बुरी स्थिति होती है वो समाजवादी पार्टी की होती है, क्योंकि ये पार्टी तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, कुल 60-62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश में इसने खजुराहो में नामांकन किया तो प्रत्याशी अपना नामांकन ही गलत भर दिया और कोई लड़ने के लिए नहीं मिला। और अब तो समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की स्थिति क्या है ये आप देख रहे होंगे। आप सोचो, जब सत्ता से कोसों दूर हैं तब वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट, आपस में नूरा कुश्ती समाजवादी पार्टी के अंदर आप देख रहे होंगे। बहनों और भाइयों, जब इस सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है और इस 400 पार के लक्ष्य में हमें जौनपुर सीट भी चाहिए। इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। वैसे जनता जनार्दन स्वयं इसका जवाब दे दे रही है। जनता कह रही है 400 पार मोदी जी को इसलिए मिलेगा क्योंकि जनता की भावनाओं का उन्होंने सम्मान किया। तो ये सपा कांग्रेस के लोग पूछते हैं कौन सा सम्मान, तो जनता कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को लाने वाले कौन है? मोदी जी। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त कराने वाले कौन है? मोदी जी। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा एक तरफ राम भक्त हैं जो राम के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। वे राम का तो विरोध करते ही करते हैं लेकिन राजनीति के इस हद तक गिर जाते हैं कि अब भारत का ही विरोध कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास एटम बम है। हमें आश्चर्य होता है, अबे दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे बड़े देश को देते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तनिक भी शर्म नहीं आती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, तनिक भी कोई संकोच नहीं होता है। और बहनों और भाइयों, जहां भी कांग्रेस ने अपने पार्टनर ढूंढे हैं, ढूंढ ढूंढ करके जितने भी दागी दल हैं, भ्रष्ट दल हैं, परिवार के दल हैं, इन्हीं सभी दलों को इन्होंने चुनावी मैदान में उतार करके पूरे देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का जैसे ठेका सा ले लिया हो। लेकिन भारत जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिस भारत ने आज दुनिया के अंदर अपनी धाक जमाई है, आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सुरक्षा पुख्ता हुई है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर
आज आप विकास के नए नए कार्य देख रहे होंगे, कहीं IIT बन रहे हैं, कहीं IIM बन रहे हैं, कहीं NIT बन रहा है, कहीं पर IIIT बन रहा है, कहीं पर वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पर हर घर नल की योजना के माध्यम से हर परिवार को शुद्ध RO का पानी दिलाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। बहनों और भाइयों, ये लगातार आज देश के अंदर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने जो कायाकल्प किया है, विकास भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे। रेलवे में भी आपने देखा होगा वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के नाम पर नई नई ट्रेन आ रही हैं, और गरीबों के कल्याण के लिए भी कितना कार्य हो रहा है। मैं तो कहूंगा बहनों और भाइयों, एक और भारत है मोदी जी के नेतृत्व में, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 23 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं वहां पर, 23 करोड़ की कुल आबादी और वह भी भूख से मर रही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, 4 जून का उनका बोरिया बिस्तर बंद करके पैक करके उनको बोलो जाओ पाकिस्तान, भारत पे बोझा मत बनो, पाकिस्तान में जाके भीख मांगो। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारत अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भूख से बिलबिलाते पाकिस्तानी लोग आपके सामने हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को भारत ने पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं भारत के अंदर, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है, और मोदी जी ने घोषणा की है इस बार आएंगे 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री में आयुष्मान भारत की सुविधा का 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ निराश्रित महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को 1,000 रुपए हर माह पेंशन की सुविधा, देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया, और 4 करोड़ गरीबों के मकान भी देश के अंदर बन गए। और मोदी जी ने घोषणा की है इस बार आएंगे तो बाकी बचे हुए गरीबों का भी मकान बनाएंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब कल्याण का कार्य करने वाली मोदी सरकार देश के विकास को दुनिया के सामने, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के आधारशिला रखने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य देश के अंदर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ राम का विरोध करके रामद्रोही वे लोग हैं जो भारत का विरोध करते हैं, भारत में जातिवादी और परिवारवादी राजनीति करते हैं, पहले जाति के नाम पर आपको लड़ाएंगे, फिर आपके हिस्से का बंदर बांट करवाने का काम करेंगे। यही तो काम किया था इन्होंने, यही तो काम कर रहे हैं, यही तो इनके कारनामे हैं। आज मैनिफेस्टो पढ़िए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये मैनिफेस्टो इंडी गठबंधन का क्या बताता है, ये मैनिफेस्टो बताता है, इन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को ये लोग मुसलमानों को दे देंगे, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत की मूल भावनाओं का अपमान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर भारत के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यही आधार देश के विभाजन का कारण बना था। और दूसरा, ये लोग क्या करना चाहते हैं, इनसे पूछा जाता है क्या करेंगे, तो बहनों और भाइयों ये कहते हैं एक झटके में, क्या कहते हैं, कहते हैं कि जैसे ही सत्ता में आए तो गरीबी हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, कहते एक झटके में हटाएंगे। कहा एक झटका कैसा, कहा साहब हम लोग ये करेंगे कि सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, और संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद, इनके द्वारा कहा जाता है कि संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद यह
उस पर एक वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आप जान रहे हैं, आपके बाप दादों ने, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने जो संपत्ति अर्जित करके आपको वरासत के रूप में दी है, इसमें से आधी संपत्ति ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ले लेंगे। फिर ये पाकिस्तान बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को बांटने का काम कर देंगे इसी संपत्ति को। क्या अपनी संपत्ति में आप क्या इनको बंदर बांट करने देंगे? क्या आपके बाप दादों की खून और पसीने की कमाई में क्या ये लूट मचाएंगे? क्या क्या इनको सेंधमारी करने की छूट देंगे? क्या? और दूसरा, बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर उनका घोषणा जो कहती है, ये कहती है कि हम वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स कुछ और नहीं, ये औरंगजेब का जजिया कर है। जजिया कर क्या? जजिया कर देंगे? अरे स्वतंत्र भारत है, जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। औरंगजेब ने अपने भाई को की हत्या की। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद कर दिया था और शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखा है कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को प्राप्त न हो। उसने कोसा है, उसने कहा औरंगजेब ने, उसने कहा औरंगजेब के बारे में शाहजहां ने लिखा है कि इससे का ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा ना हो। और कोसते हुए औरंगजेब ने कहा था कि तुमसे अच्छे तो ये हिंदू हैं जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद भी अपने परिवार, अपने पूर्वजों को श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से जल देने का काम करते हैं। लेकिन दुष्ट औरंगजेब, तुमने तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। बहनों और भाइयों, ये जजिया कर जो था औरंगजेब का, ये हिंदुओं पर लागू होता था। वो कहता था हिंदुओं को कि तुम या तो मुसलमान बन जाओ और नहीं तो तुम्हें जजिया कर देना होगा। बहनों और भाइयों, हमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन के माध्यम से जो औरंगजेब की आत्मा आज घुस रही है, इसको पूरी तरह बेनकाब करना होगा। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास। ये जौनपुर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां से श्री कृपा शंकर सिंह जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। कृपा शंकर जी चुनाव जीत के जाएंगे? जाएंगे? मुगरा बादशाह की आवाज में बोलो, जाएंगे? जाएंगे? दोनों हाथ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके बोलो, मुझे बताओ, आश्वस्त करो, चुनाव जिता के भेजेंगे कृपा शंकर जी को? भेजेंगे? लेकिन इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। आज 21 तारीख हो गई ना, क्या आज 22 है? 22 है ना आज? ठीक, चलिए आप याद रखते हैं, तब तो मैं आश्वस्त हूं कि 25 को सही समय पे वोट देने जाएंगे। तो आज 22 हो गई, 23 और 24 दो दिन का समय आपके पास है। इन दो दिनों में कितने लोग ऐसे हैं जो कमल चुनाव चिन्ह के साथ फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए 10-10 घरों में जाकर के प्रत्येक सदस्य से मिलकर के कमल खिलाने का आग्रह कर सकते हैं? कितने लोग हैं? अभिनंदन आपका, आप तो पूरा ही मुगरा बादशाहपुर तैयार है। बहनों और भाइयों, 10-10 घर में, दो दिन में 20 घर में कवर करते हुए 25 मई को प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक मतदाता को, वयस्क मतदाता को मतदान केंद्र पर ले जाकर के कमल खिलाने की आवश्यकता है। खिलाएंगे? खिलाएंगे? बहनों और भाइयों, कमल खिलाएंगे? तो आप जौनपुर से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। वहीं यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को AIMIM का साथ मिल गया है। कुशीनगर से लोकसभा प्रत्याशी है स्वामी प्रसाद मौर्य। असदुद्दीन ओवैसी भाई को बहुत बहुत आभार, ऐसा उनका कहना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुशीनगर से लोकसभा प्रत्याशी है स्वामी प्रसाद मौर्य। आपको बता दें कि
स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से दावेदारी ठोक रहे हैं। इस दौरान AIMIM का साथ उन्हें मिला है और इस पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी उनके भाई हैं और उनका बहुत बहुत उन्होंने आभार जताया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचलने पर उतारू है, तानाशाही के रास्ते पर जा रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तथ्यहीन आधार बनाकर ईडी CBI इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन सरकार यह नहीं बता पा रही है कि नेताओं की गिरफ्तारी किस अपराध में हो रही है। आज संविधान खतरे में है क्योंकि यह सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान बदलने की फिराक में है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात पिछड़ों का आरक्षण शून्य किया जा रहा है, निष्प्रभावी किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। देश भी खतरे में है क्योंकि सरकार ने देश बेचने की भी शुरुआत कर दी है। आप जानते हैं देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई, किसके नाम? अदानी और अंबानी के। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचलने पर उतारू है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को AIMIM का साथ मिल गया है। आपको बता दें कि कुशीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इस दौरान AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना समर्थन दे दिया है। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अब बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी मेरे भाई हैं और उनका साथ मिला है, जिसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कुशीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य को AIMIM का साथ मिला है। AIMIM ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना समर्थन दिया, जिसके लिए उन्होंने आभार भी जताया है। ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी रण में है, चुनाव लड़ रहे हैं, अब AIMIM ने अपना समर्थन उन्हें दे दिया है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जिस तरह से AIMIM यानी कि असदुद्दीन की पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर में समर्थन दिया, और इसके पहले AIMIM ने अनुप्रिया पटेल की बहन को भी प्रत्याशी की पार्टी से गठबंधन किया था और समर्थन किया था, लेकिन जिस तरह से कुशीनगर में RSSP प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य को AIMIM ने समर्थन दिया, और उसके बाद स्वामी प्रसाद ने जोशीला भाषण दिया और BJP पर खासकर बड़ा हमला बोला, लेकिन जो स्थिति RSSP प्रमुख की है, कहीं ना कहीं वह इंडिया गठबंधन से भी जो है धोखा खाए हुए हैं। और चुनाव मैदान में अगर कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में 9 प्रत्याशी है RSSP प्रमुख को लेकर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं RSSP अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समीकरण भी बिगाड़ सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी PDA का नारा देकर जिस तरह से चुनावी जीत का दम भर रही है, और उसी बीच AIMIM की कहीं ना कहीं मुस्लिमों पर पकड़ होती है और स्वामी प्रसाद मौर्य बैकवर्ड वोटिंग वोट की राजनीति करते हैं, तो अब जो है तस्वीरें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए जो है खराब दिखने लगी है। हालांकि अखिलेश यादव जिस तरह से BJP पर निशाना साधते हैं, ठीक उसी तर्ज पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज जिस तरह से BJP पर हमला बोला, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वोटों में स्वामी प्रसाद मौर्य सेंधमारी कर सकते हैं AIMIM के साथ। हालांकि पूर्वांचल की सियासत की बात करें तो पूर्वांचल में जिस तरह से पार्टी में शामिल होने और जो
एक पार्टी से दूसरे दल में शामिल होने से कहीं ना कहीं पूर्वांचल की सियासत भी काफी गर्म हो चुकी है। जिस तरह से प्रतापगढ़ की सीट की बात करें तो यहाँ पर कई दिग्गजों ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, और वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर की मेनका गांधी की सीट की बात करें तो यहाँ पर एक बाहुबली सपा में शामिल हुए जिन पर कई मुकदमे दर्ज है। तो इससे ऐसे में कहीं ना कहीं सुल्तानपुर में भी बीजेपी की राह आसान दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ अब कुशीनगर में जिस तरह से AIMIM की एंट्री हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो गठबंधन हो गया है, इससे अब समाजवादी पार्टी की मुश्किलें जो है कहीं ना कहीं मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अगर कुशीनगर का रण देखे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, तीसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन दे दिया, और चौथी तरफ देखें तो BSP, किस तरह से कुशीनगर का रण और स्वामी प्रसाद मौर्य किसके लिए वोट कटर साबित हो सकते हैं, और साथ ही जिस तरह से AIMIM ने अपना समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया है, तो क्या माने, क्या कुछ फायदा यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को इससे? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो अब पूर्वांचल में कुशीनगर सीट की सियासत अब काफी गर्म हो गई, हालांकि यहाँ पर मोदी फैक्टर भी काफी हद तक चलता दिख रहा है, और अब जहाँ एक तरफ बसपा जो है दलित वोट बैंक के सहारे कुशीनगर की सीट हथियाना चाह रही, वहीं बीजेपी प्रत्याशी तमाम जो सबका साथ सबका विकास का नारा देकर आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कई बीजेपी के दिग्गज प्रचार प्रसार भी कर चुके हैं। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी दलित मुस्लिम वोटों के सहारे अपनी चुनावी बैतरणी कुशीनगर में पार लगाना चाहती है, लेकिन जिस तरह से बसपा RSS और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस चुनावी रण में टाल ठोक रहे हैं, लेकिन अगर गौर करने वाली बात है कि बीजेपी का जो सॉलिड वोट है उसे उसमें सेंधमारी नहीं कर पा रही, ना तो सपा कर पा रही है ना बसपा कर पा रही है, और साथ ही साथ RSS भी नहीं कर पा रही है, और जो RSS के साथ जो बैकवर्ड दलित और मुस्लिम वोटों का जो वोटों को बटोरने के लिए जो रणनीति स्वामी प्रसाद ने चली है वह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए घातक भी दिख रही है। हालांकि यानी एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन उन्हें मिल चुका है, यहाँ पर जो कुशीनगर का रण है वो काफी दिलचस्प और समाजवादी पार्टी के लिए कितनी टेंशन बढ़ाता है ये, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप नजर बना के रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मंगलवार को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी, करीब 2 घंटे तक ये सुनवाई चली थी, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें रखी गई थी, दोनों पक्षों की ओर से बहस करी गई थी। अब आज इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। उनकी जमानत याचिका को लेकर यह सुनवाई होगी, जिसमें आपको बता दें कि मंगलवार को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी, करीब 2 घंटे तक बहस चली थी, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।